इस कड़ाके की ठंड के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। राहुल गांधी के द्वारा निकाले गए भारत जोड़ो यात्रा का अब 6वां दिन पूरा हो चुका है। राजस्थान में यह यात्रा हो रही है, जिस यात्रा में प्रबुद्ध लोग शामिल हो रहे हैं, महिलाएं शामिल हो रही है, प्रियंका गांधी की बेटी और बेटा भी शामिल हो रहे हैं। परिजन के अलावे देश के कोने कोने के लोग आकर, खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार हो, RBI के पूर्व गवर्नर हो या कलाकार हो, हर तरह के लोग राहुल गांधी के यह भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और लोग बड़े ही खुशी के साथ भारत जोड़ो यात्रा को हाथों हाथ ले रहे हैं और राहुल गांधी के हौसला को बढ़ाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने से एक लोगों में उमंग, एक जोश, एक नया आने वाले समय का किरण दिखने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जानी है, जो अब राजस्थान के अंतिम पड़ाव पर है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके पूर्व भी हमने आपको समाचार दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा को आम लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बेचैनी छा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अब राहुल गांधी पर कटाक्ष करने से बचते हैं, चूंकि उन्हें डर है यह भारत जोड़ो यात्रा जनता की यात्रा बन चुकी है, जन समर्थन जनता का प्राप्त हो रहा है, ज्यादा विरोध करने से भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों ने राहुल गांधी के अपना दुख दर्द समझाया और सुनाया और भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं, बच्चियां, औरतें, बूढ़े, नौजवान सहित गरीब तबके के लोग भी शामिल हो रहे हैं। लोग हाथ में झंडा लेकर पैदल सुबह से शाम तक चलते हैं और यह सिलसिला जारी है, जो श्रीनगर तक जाएगी और वहां तिरंगा फहराया जाएगा। आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी जा सकते हैं। भारत के लोग जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और यह जोश भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा देखा जा रहा है कि मानो भारत जोड़ो यात्रा इस ठंड में भी जबरदस्त सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।